हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द राइडर बीस्ट। सो ये वीडियो मैं कम से कम 2 वीक्स के बाद डाल रहा हूँ। मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी था, लेकिन इस मैं सोचा यार वीडियो तो बनानी है। सो क्या किस बारे में बनाए, एक्चुअली मेरे पास अभी 2 टॉपिक्स है पेंडिंग। करंटली जब मैं वीडियो बनाना, तो उन दोनों में से किसी एक टॉपिक, उन एक ही टॉपिक बनाना, दूसरा टॉपिक भी बताऊँगा आपको इसी वीडियो में। तो इस बार ही मैं, आपने देख ही लिया थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया कि कार वैक्यूम क्लीनर के बारे में बात कर रही है। तो चीपेस्ट कार वैक्यूम क्लीनर में मैं बात करने जा रहा हूँ। सबसे सस्ता वैक्यूम क्लीनर है और सबसे पावरफुल वैक्यूम क्लीनर है। तो इस वैक्यूम क्लीनर की कॉस्टिंग जो है वो मेरे को पड़ी है कुछ 300 के अंदर ही पड़ी है, क्योंकि मैंने कश्मीरी गेट से परचेज किया है। अगर आप लोकल मार्केट से परचेज करेंगे सेम चीज़, तो आपको शायद 500 तक की मिल सकती है। अगर आप कश्मीरी गेट जाके परचेज कर सकते हैं, तो आप कश्मीरी गेट जाके परचेज कर लीजिए, कोई ऐसी बात नहीं है। सो कार अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी सुबह सुबह बारिश ही हुई है, अभी बैक कैमरा से दिखाता हूँ आपको अपना गाड़ी का हाल क्या हो गया। कल ही साफ़ करी थी मैंने। सो ये मेरी स्विफ्ट खड़ी हुई है, हाल देख सकते हैं आप इस गाड़ी का, ये देखो। अभी साफ़ करी थी, कल ही साफ़ करी थी, बारिश ने सारा काम ख़राब कर दिया। और ये अगर मैं अपनी सेंटर दिखाऊँ, तो ये देखो टैस मैस हो गई है, तो पूरी ख़त्म हो गई है। इस पर भी काम कराने दो तीन, उस पर भी अगर हो सका तो वीडियो बना दूंगा। और ये जो कांड है ना, ये रिक्शा वाले ने किया है, सीधा पीछे से लाया और डाल दी इसमें, ख़त्म कर दी। सो यहाँ पे अब चलते हैं मैं अपने मेन टॉपिक के ऊपर। सो यहाँ पे ये रहा हमारा वैक्यूम क्लीनर, ये है हमारा वैक्यूम क्लीनर जिसकी मैं बात कर रहा था। ये है तो सब चाइनीज ही होता है, और मैं यूज भी कर चुका हूँ इसको, तभी इसका रिव्यू कर रहा हूँ। काफी पावरफुल है और मेरे को इसको परचेज किया है, काफी टाइम हो गया है। ये इसकी अटैचमेंट भी है इसके साथ में, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बॉक्स में और कुछ नहीं है। सो अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, वैक्यूम क्लीनर के बारे में, काफी बेसिक सा, सिंपल सा, गुड लुकिंग, क्यूट सा वैक्यूम क्लीनर है। और ये जो अटैचमेंट है, ये इसके आगे ऐसे लग जाती है। अगर मैं आपको लगा के दिखाऊं इसको प्रॉपरली, तो कुछ ऐसा सा सीन होता है। यहाँ पे हमारे पास ऑन ऑफ बटन भी है, एंड यहाँ पे हमारे पास ओपन करने के लिए है इसको, और ये ओपन हो गया। इसको पहले बंद कर लेते हैं। सो ऐसा सा कुछ सीन है इसका, और ये लगता है चार्जिंग सॉकेट में। सो काफ़ी पावरफुल है ये वैक्यूम क्लीनर, तो आपको यूज़ करके बता देता हूँ थोड़ा बहुत। सो गाइस, अब मैं आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और इसकी वैक्यूम क्लीनर के बारे में आपको सब बताया जाएगा। ये जो वैक्यूम क्लीनर है, इसके बारे में आपको मैं सब कुछ बताऊंगा कि यार इसकी पावर कैसी है, पावर और इसका इनपुट कैसा है। और एक चीज मैं आपको बता रेकमेंड करूंगा, मेरी तरफ से होगा कि अगर आप जब भी हो सके तो, ये नहीं कि हर बारी हो सके तो, इसको जब आपकी कार स्टार्ट हो तभी इसको प्लग करें, क्योंकि इसकी पावर सबसे ज्यादा मैक्सिमम तभी आती है, वरना जो आपकी नॉर्मल बैटरी होती है उस पर इतनी पावर नहीं लेता, क्योंकि इसके अंदर एक ECU भी है जो पावर नहीं खींचता इतनी ज्यादा जब ये बैटरी पे होती है। जब पीछे इसके अंदर जो हम इसको जब पता लगता है कि गाड़ी स्टार्ट है, चार्जिंग हो रही है बैटरी में, तो ये और ज्यादा मतलब अपनी फुल पावर में और अपने फुल पोटेंशियल पे वर्क करता है। तो अभी तो पीछे शीशा मेरा सारा खराब हुआ पड़ा है। सो ये देखो शीशा पूरा सारा खराब हुआ पड़ा है, इसको भी सही करते हैं। ये हैंडल लॉक, और एंड इसके अंदर भी अगर आप ध्यान से, अरे सो अगर इसके अंदर भी आप ध्यान से देखेंगे कि एक लिक्विड सोल्यूशन होगा, सोपी सोल्यूशन होगा, वो भी मैंने लगाया है। और वो जो सोपी सोल्यूशन है वो एग्जैक्टली क्या है, जब भी आप गफार मार्केट, सॉरी गफार नहीं, कश्मीरी गेट जाएंगे, किसी भी कार मार्केट जाएंगे, अगर वहाँ पे आप मांगेंगे कि हमें ये जो शीशे होते हैं यहाँ के साइड के जो शीशे होते हैं, और गाड़ी के जितने भी बड़े शीशे होते हैं उनको साफ करने के लिए लिक्विड चाहिए, तो अब बार बार तो हम निकालोगे नहीं, तो मैंने सीधा वही पोर कर दिया आगे के आगे जिसमें हमारे पास पानी डालते हैं। सो एकदम क्लीन हो जाता है, नीट एंड क्लीन हो जाता है आगे का शीशा। अगर आपके पास बैक डीप फॉगर है तो आपका वो वाला शीशा भी क्लीन हो जाएगा एकदम। सो ये मेरी तरफ से रिकमेंडेशन है, और टिप भी है कि आप अपने फ्रंट विंडशील्ड और बैक ग्लास को कैसे क्लीन रख सकते हैं बिना किसी मेहनत किए, अगर आपके पास ब्लैक ग्लास का डीप फॉगर है, मतलब पीछे का वाइपर है। सो अभी आप देख सकते हैं कितना क्लीन हो चुका है एकदम, कोई कुछ नहीं है, पहले कुछ ऐसा सा था, अब ऐसा सा हो गया। सो आई विल रिकमेंड यू कि आप ये ट्रिक ट्राई करें। सो अब ट्राई करते हैं वैक्यूम क्लीनर को। सो यार ये जो इसका प्लग है वो मैं इसको प्लग इन कर रहा हूँ,
एंड अगर मैं इस और मैंने इसको न्यूट्रल में डाल दिया है, सो मैं अपनी कार स्टार्ट करता हूँ। सो स्विफ्ट स्टार्ट हो रहती है, अंदर से पता लगता है, बाहर से नहीं पता लगता। सो अब मैं अगर इसको, अब मेरी कार स्टार्ट है तो इसकी फुल पावर पे, पोटेंशियल पे मैं इसको यूज करूंगा। एक और चीज, ये काफी नॉइजी है तो सो गाइस, वाइल रिकॉर्डिंग वीडियो जो मैं अभी आपको शॉर्ट्स दिखाने वाला था वैक्यूम क्लीनर की क्लीनिंग के लिए, लेकिन उसमें आ गई एक प्रॉब्लम, काफी मेजर प्रॉब्लम थी कि मेरी गाड़ी साफ थी क्योंकि मैंने कल ही साफ करी थी जैसे मैंने आपको बताया। सो मैंने उसके लिए अपनी गाड़ी गंदी करी है, सिर्फ वीडियो बनाने के लिए गंदी करी है ताकि मैं वैक्यूम क्लीनर साफ करके दिखा पाऊँ, इसकी पावर दिखा पाऊँ। सो अब देखिए आप, ये मिट्टी मैंने डाली है जानबूझ के, यहाँ पे मेरे पास में कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो मैंने जान के वीडियो मिट्टी डालनी पड़ी मेरे को कि इसकी सक्शन पावर, ताकि मैं आपको दिखा पाऊँ। सो अब मैं आपको पहले बता रहा हूँ, नॉइज बहुत आएगी क्योंकि शोर बोरा मचाता है। सो गाइस, अभी आपने टाइम लैप्स देखा है कि कितने सही से साफ कर लेता है, और अगर मैं आपको दिखाऊं अभी कि ये 95% इसने साफ कर लिया है, और जो बचा 5% है वो आपको कपड़े साफ करना पड़ेगा। और अगर मैं आपको कूड़ा दिखाऊं इसका, मतलब मिट्टी ऑलमोस्ट सारी, मैंने आपको जैसे बताया 90% इसने सो कर लिया है, खींच लिया अंदर। सो ये जो वैक्यूम क्लीनर है मेरी तरफ से डेफिनेटली रेकमेंडेड है, और अगर मेरे को लिंक मिला इसका तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, अमेजोन या फ्लिपकार्ट लिंक मिला तो मैं पक्का डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो जहाँ तक बात रही स्कूटी के बारे में, अभी तो ये तो हो गया कार के बारे में, स्कूटी के बारे में मेरे को एक्चुअली स्कूटी की भी सर्विस करवानी है, उसके भी अपने सर्विस आ चुकी है, मतलब सर्विस का टाइम आ गया है, मेरे को बस सर्विस करवानी है, एवरी 2000 किलोमीटर्स के बाद मेरे को करवानी पड़ती है सर्विस उसकी। सो इस बार मैंने जल्दी ही, काफी जल्दी क्लॉक कर लिया 2000 किलोमीटर्स। सो इस बार मैं सोच रहा हूँ कुछ चेंज करता हूँ, सिंथेटिक ऑयल डलवाता हूँ, इसकी वजह से मेरे की जो स्कूटी की सर्विस होगी मेरे को 5000 किलोमीटर के बाद करवानी पड़ेगी, क्योंकि वो ऑयल ज्यादा अच्छा होता है और थोड़ा कॉस्टली भी होता है। सो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी, और मेरी सेंट्रो के ऊपर भी वीडियो आएगी कि मैंने क्या क्या काम करवाया है, और मायापुरी से मैं काफी सामान लाया हूँ इसके लिए, तो वो उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। उन सारी वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अगर पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ, अगर उनको भी बताना चाहते हो कि भाई ऐसी भी चीज एग्जिस्ट करती है। मात्र 250 रुपए में खरीदा हूं मैं ये, 250 रुपए में खरीदा है मैंने ये, और वर्थ है पूरा, एक एक पैसा वसूल है इसका। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।